टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था और आज समय निकाल कर इसको बताना चाहता हूँ। और टॉपिक का नाम रहेगा देखो, हाउ टू कंट्रोल उस्टर एंड सीवी, मतलब अपना स्पिनिंग में उस्टर और सीवी दोनों क्वालिटी का बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। जब उस्टर ज्यादा रहेगा तो कपड़े का अपीयरेंस खराब हो जाता है, सीवी ज्यादा रहेगा वो भी कपड़े का अपीयरेंस खराब हो जाता है। वो दोनों चीज ब्रेकेज भी करने के लिए, मतलब वीविंग में जब बनाते हैं कपड़ा ब्रेकेज के लिए भी बहुत जिम्मेदार रहते हैं। उस्टर ज्यादा आएगा इसका मतलब मोटा पतला ज्यादा आएगा और सीवी भी ज्यादा आएगा, उसमें भी मास वेरिएशन रहता है, मतलब मोटा पतला रहेगा। और दोनों चीज ब्रेकेज वीविंग में करता है, वो धागा कहीं अप्रूव नहीं होता। ये उस्टर सीवी सबसे कम से कम रहे तब जाके बढ़िया क्वालिटी माना जाता है। सबसे पहले देखो उस्टर सीवी कंट्रोल करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, सेट लैप वेट 150 ग्राम प्लस माइनस, मतलब ब्लोर रूम का जो लैप का वजन करते हैं, जैसे जिसमें ब्लोर रूम में लैप सिस्टम है तो इसमें प्लस माइनस 150 ग्राम का लैप वजन अलाउ करने का, उससे ज्यादा कम बड़ा अलाउ नहीं करना। अलाउ करेगा तो इसमें क्या होगा, सीपी बढ़ जाएगा, सीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे विद इन लैप सीबी बिलो 1%, मतलब लैप के अंदर जो सीबी रहता है, जैसे अपन एक एक मीटर का लैप काटेंगे ना, इसको वजन करेंगे, समोह 450 ग्राम पर मीटर रखे तो उसे उसको जब एक एक मीटर काटेंगे, इसको वजन करेंगे, उसका सीबी निकालेंगे और वो सीबी अपना क्या लैप के अंदर का सीबी 1% होना चाहिए। और वो अगर ज्यादा है तो आप क्या करोगे, जो पियानो फेड का रहता है, जो पीछे जो पेडल लिबर रहता है, उसका मोशन वगैरह साफ सफाई सब करोगे तब सीबी जाके कंट्रोल होगा। उसके बाद देखो, कार्ड रैपिंग सीबी प्लस माइनस 1.5%, ये ज्यादातर के सीबी एयरफिल लाइन में बढ़ जाता है। और लैप फिल्ड में तो आप ये लैप वजन कम ज्यादा का वेरिएशन कंट्रोल करोगे तो सीबी बढ़िया रहेगा। और जब एरोपीडी रहता है ना, एरोपीडी का मतलब सीबी बढ़ जाता है, सीबी बढ़ जाता है क्या, ऑटोमेटिक ऑन रखना और फीडिंग जो है उसका बराबर फ्लो बराबर रहे, मतलब बंद चालू ज्यादा ना हो, बराबर फीडिंग रहे तब जाके रैपिंग सही रहेगा। और उसमें देखो, कार्ड रैपिंग सीबी 1.5% के अंदर चाहिए, 1.5% से ऊपर होगा फिर वो दिक्कत जाता है। उसके बाद देखो, कार्ड एनआरई सेट 65 से 75, कार्ड एनआरई, एनआरई के बारे में मैंने बताया था, एनआरई क्या होता है, नेप रिमूवल एफिशिएंसी। अगर नेप रिमूवल एफिशिएंसी कम रहेगा, इसका मतलब नेप्स पास करेगा, नेप्स पास करेगा तो फिर अपना नेप्स पॉइंट जो उस्टर में बढ़ जाएगा और फिर आई पे बढ़ जाएगा। तो ये कार्डिंग में 65 से 70 एनआरई जैसे है ना, ऐसे ही कुंभर में भी सेट करना 70 से 75 तक, कुंभर का एनआरई भी 70 से 75 तक सेट करना है। उसके बाद देखो, नो कार्ड डाउन और डिपोजिशन और लोडिंग कंडीशन, ये डिपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। डिपोजिशन रहेगा तो क्या होगा, मटेरियल रुक रुक के आएगा, मटेरियल चिपक के आएगा, उसमें फिर मोटा पतला पास होगा, मोटा पतला पास होगा तो यार्न का उस्टर बढ़ेगा, क्वालिटी खराब होगा, सीबी भी बढ़ेगा। तो कार्डिंग का डिपोजिशन साफ करना है, ड्रेइंग का भी डिपोजिशन साफ करना है। कोई कार्ड अगर लोडिंग कंडीशन में चलता है, लोडिंग पूरा कंप्लीट सफाई होने के बाद चालू करना है। और जब तक अपना ये ध्यान नहीं रखेंगे, मटेरियल बराबर नहीं निकलेगा। उसके बाद देखो, रिमूवल ऑफ ट्रिपिंग सीन 2 आवर्स इन ब्लोर रूम कार्डिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो ब्लोर रूम कार्डिंग का जो ड्रिपिंग्स है, ये अगर हर 2-2 घंटे में हम नहीं निकालेंगे, वही फ्लाई फ्लॉप जो मशीन का नीचे पड़ा रहता है वो फिर से वापस मशीन खींच लेगा,
तो फ्लाई ड्रॉपिंग फिर से प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसमें मतलब मटेरियल का क्वालिटी खराब हो जाएगा, मॉइस्चर बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो सेट आरएसपी ऑटो लेवलर ऑफ रैपिंग प्लस माइनस 3%। ऑटो लेवलर का जो रैपिंग है मतलब ऑफ की टाइम में, इसको ऑफ की टाइम में 3% प्लस माइनस में सेट करो। सेट करने के बाद क्या होगा, आप इसको फिर ऑन करके रैपिंग सेट करोगे तो रैपिंग में ज्यादा वेरिएशन नहीं जाएगा। अगर आपने ऑफ के टाइम में 3% प्लस माइनस से ऊपर रख दिया तो ऑटो लेवलर कभी काम नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी यार सीबी बढ़ जाएगा और उस टाइम तो बढ़ेगा बढ़ेगा, सीबी भी बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ये 3% जो ऑटो लेवलर ऑफ टाइम में सेट करते हैं, ऑफ टाइम सेट करने का 3% का टाइम है उसका, ऑटो लेवलर ऑफ में उसका गियर चेंज करके ड्राफ्ट चेंज करके 3% के अंदर लेना है, प्लस हो माइनस गियर चेंज करना पड़ता है। और इसको देखो कीप ऑटो लेवलर ऑन इन कार्डिंग एंड ड्राफ्टिंग, एक चीज ध्यान रखना कार्डिंग और ड्राफ्टिंग में जो ऑटो लेवलर है इसको अपना एक चार्ज में डाल दे, मतलब हर कारीगर जावर सुपरवाइजर जब भी राउंड में जाए एक बार बटन दबा के चेक कर ले ये ऑटो लेवलर ऑन है ऑफ है, कभी भी ऑफ में ऑटो लेवलर अलाउ नहीं करना। अच्छा ऑटो लेवलर ऑफ कब होता है, कारीगर ऑफ कब करता है, जब इसको ज्यादा परेशानी होता है, तो ज्यादा परेशानी कब होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम रहता है, ऑटो लेवलर में कोई प्रॉब्लम रहता है, बार बार कार्ड बंद करता है, तो इसको ऐसा चीज को आप लोग को अटेंड करना पड़ेगा, अटेंड करोगे तो कारीगर कभी बंद नहीं करेगा। उसके बाद देखो ऑटो लेवलर कैलिब्रेशन एंड स्लाइडर टेस्ट सेट प्लस माइनस 0.5%। ऑटो लेवलर हमेशा मतलब समझ लो कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम दिया तो बीच बीच में इसको कैलिब्रेशन करना जरूरी है, जो मशीन में दिक्कत है वही मशीन में बिजली वाला बुला के गाड़ी का फोर्मर बुला के कैलिब्रेशन ठीक करना, चाहे गाड़ी का हो या ड्रफन का हो। उसके बाद देखो स्लाइवर टेस्ट सेट प्लस माइनस 0.5%। स्लाइवर टेस्ट के बारे में मैंने एक बार टॉपिक में पढ़ा था, वो आप एक बार चेक करके पूरा वीडियो देखिएगा। स्लाइवर टेस्ट पे प्लस माइनस 0.5% रहेगा तब जाके मतलब आपकी रैपिंग सीबी खराब नहीं होगा, रैपिंग सीबी खराब नहीं होगा, सीबी परसेंट इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेज और ब्रेक ड्राफ्ट अपना फाइबर लेंथ के हिसाब से सेट करना है, मतलब फाइबर लेंथ जिस प्रकार के है उसी हिसाब से गेज सेट करना है, और मेटेरियल कौन सा क्वालिटी का चलाते हैं उसी हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट करना है। और आज आपको एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आप किसी मॉडल कॉटन चला रहे हो या सिंथेटिक चला रहे हो, सिंथेटिक में अपन ब्रेकर में 1.71 पीडीएफ चाहिए, आपने डाल दिया 1.3, तो उसमें क्या होता है मतलब मोटा पतला धागा जाएगा, मोटा पतला धागा जाएगा आपकी एक पॉइंट अफेक्ट करेगा उस्टर। तो इसीलिए हर मटेरियल का आपकी ब्रेक ड्राफ्ट और गेज बराबर रखना चाहिए, बराबर नहीं रहेगा तो उस्टर कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्लीन ड्राफ्ट जोन एंड बॉटम बैक बॉटम रोल फाइज, ड्राफ्ट जोन अपना सिम्प्लेक्स में हो, रिंग फ्रेम का हो, ड्राइंग का हो, हमेशा हर दो दो घंटे में सफाई होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ रिंग फ्रेम वगैरह में लकड़ी लेकर कारीगर हमेशा सफाई करते रहे हर राउंड में और बढ़िया है। और ये ड्राफ्ट जोन सफाई करने के टाइम में खास करके ध्यान रखिएगा जो बैग रोल का जो बटन रोल है लास्ट बटन रोल उसमें फ्लाई जमा रहता है ना, वो फ्लाई जमा होने से क्या होता है बैग रोल का डायमीटर बढ़ जाता है और जो डिलीवरी फील्ड ज्यादा हो जाता है तो कोस काउंट निकलता है। तो इसको क्या करना, ये अगर दिक्कत जाता है तो कोस काउंट का धागा निकलेगा, फिर सीवी का आपकी प्रॉब्लम आएगा, तो इसको ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद देखो उसके बाद आया सिम्प्लेक्स पॉजिटिव क्लियरर टू क्लीन एंड क्लीन ऑलवेज, सिम्प्लेक्स का टॉप रोल के ऊपर देखने का वो कपड़े का ये रहता है ना मतलब रोटेट करता है जो पॉजिटिव क्लियरर जो फ्लाई खींचता है मतलब ड्राफ्ट जोन से फ्लाई खींचता है ऊपर, वो भी बीच बीच में सफाई करना चाहिए, सफाई नहीं करोगे तो फिर वही फ्लाई फिर धागे के साथ जाएगा और मोटा पतला गुठली जैसा धागा दिखेगा वो आपके उस्टर वगैरह बढ़ा देगा। पॉजिटिव क्लियरर
बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कभी कभी कोई चार चार स्पिनर में एक पॉजिटिव प्लेयर का पेटी रहता है, समझ लो जहां जहां काम नहीं करता है वो निशान लगा दो, वो मेंटेनेंस वाले को बोल के इसको सही कराना जरूरी है। उसके बाद देखो कार्डिंग ड्रॉप एंड सिंपलेस्ट फ्लाई एंड निम्बिन फ्लाई वेस्ट ऑफ द रिंग क्लीन इन एवरी आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्डिंग ड्रॉप एंड सिंपलेस्ट का जो फ्लाई है, मतलब पंखा होता है उसका फ्लाई जरूर निकालना। फ्लाई निकालेगा क्या होगा, शॉर्ट फाइबर रिमूवल हो जाएगा। शॉर्ट फाइबर रिमूवल हो जाएगा तो सक्शन तेज होगा, फिर से शॉर्ट फाइबर खींचेगा। तो अगर ये फ्लाई अपना हर घंटे में निकालेंगे नहीं तो शॉर्ट फाइबर जाएगा धातु के अंदर। शॉर्ट फाइबर जाने से क्या होता है, फिर नेप्स बढ़ेगा और बुढ़ा बन जाएगा, फिर इसका आईपीएच बढ़ जाएगा, उष्ण बढ़ जाएगा। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, हर घंटे में सफाई होनी चाहिए। और रिंग फिल्म का निमोफिल फैल का वही हिसाब किताब है, निमोफिल फैल सफाई नहीं करोगे मल्टीपल ब्रेकेज होगा। हाँ सक्शन नहीं होगा, सक्शन नहीं होगा तो फिर वो मल्टीपल ब्रेकेज होगा, बार बार धागा जुड़ेगा, वेट पीसिंग भी होगा, रोलर पीसिंग भी होगा, फिर कुल मिला के आपकी उष्ण का क्वालिटी खराब करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो फॉलो रैंडमाइजेशन इन कार्डिंग ड्रॉप एंड सिंपले सिंपलेस नहीं कुंभर, कार्डिंग ड्रॉप एंड कुंभर। उसमें क्या होता है, आपको वही बताया था जो पहले रैंडमाइजेशन के बारे में एक बार बताया था। अगर आप रैंडमाइजेशन फॉलो करोगी तो आपका सबसे बेनिफिट होगा सीबी में और उस्टर में। रैंडमाइजेशन में जैसे कि मैंने बताया था ना आपको पहले कैसे होता है, मतलब कार्डिंग समझ लो 8 कार्ड है तो एक एक डिब्बा एक साइड में ड्रॉफे में लगेगा, और ड्रॉफे ब्रेकर का जैसे लेफ्ट राइट मार्क करने का, इसको आरएसडी में जैसे 8 डब्ल्यू चल रहा है, चार चार लेफ्ट और राइट का चार चार डिब्बा लगेगा, ऐसे ही कुंभर का कैन भी नंबरिंग कर देगा और मशीन में नंबर के हिसाब से डाल देगा। इसको करने से क्या होगा, रैंडमाइजेशन करने से आपकी यान सीबी बहुत कम होगा, यान सीबी उसी से कंट्रोल होता है रैंडमाइजेशन में। उसके अलावा अगर यान सीबी कंट्रोल हो गया, जैसे मोटा पतला मर्ज हो गया, बढ़िया हो गया, तो उस टाइम भी ऑटोमेटिक कम आएगा। तो दोनों चीज को अफेक्ट करता है। अगर रैंडमाइजेशन जिस मिल में रहता है वो बढ़िया रहता है, और इसमें एक और एक फायदा होता है, सेल वेरिएशन भी कंट्रोल करता है। हालांकि मैटर सेल वेरिएशन का समझाने का नहीं है, लेकिन रैंडमाइजेशन से एक फायदा ये भी है, सेल वेरिएशन भी कंट्रोल होता है। इफ उस्टर फाउंड मोर डू नॉट अलाउ मशीन टू रन, एक चीज ध्यान रखना, किसी मशीन में उस्टर ज्यादा है वो मशीन बिल्कुल लंबी चलने नहीं देना, मतलब खराब माल निकालना नहीं, इसको तुरंत बोर्ड लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। जब वो सही करके अटेंड करके दिया जाएगा तब चला रहेगा, खराब माल ज्यादा नहीं बनाने का, खराब माल ज्यादा बनाएंगे तो फिर वही क्वालिटी उस्टर से भी बढ़ जाएगा। और होल ऑन अपरन अपरन साइड टू चेक एंड अटेंड, ऐसी ध्यान रखो जैसे अपना सिंपलेस में अपरन में देखना, कभी कभी ऐसा अपरन है ना ये बीच में छेद रहता है, क्रैक रहता है, तो ऐसा चीज क्या करेगा, धागा मोटा पतला बनाने में मदद करेगा और उस्टर का बड़ा खराब इफेक्ट करेगा। उसके बाद अपरन साइड, अपरन देखो जैसे ये बटन रोल है ना, बॉटम रोल के अंदर ऐसे ही अपरन समझो यहाँ लगना चाहिए, वो क्या कभी कभी स्लिप होके साइड हो जाता है, स्लिप होके साइड हो जाता है तो क्या होगा, धागा बार बार कटेगा। और उसी हिसाब से देखो ये सेट करना जरूरी है, अगर दिक्कत है इसको अटैच करो, नहीं तो स्पिंडल बंद रखो, लेकिन धागा बनाना मत दो ऐसे स्पिंडल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन बात कर रहे थे हाउ टू कंट्रोल उष्ण एंड सीलिंग परसेंट, नेक्स्ट पॉइंट आया रन स्पीड एज पर मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से अपन को हर जगह का स्पीड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। समझ लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आपकी आरएसपी में आप फिनिशर में कुंभर चला रहे, कुंभर का मटेरियल आप 250-300 तक रखिएगा, कारण चलाते हो तो 500-550-600 तक रख सकते हो। तो स्पीड के हिसाब से नहीं रखोगे, अननेसेसरी फाइबर के ऊपर लोड पड़ेगा स्पीड ज्यादा में, वो फिर क्वालिटी खराब करेगा, रफिंग खराब करेगा, फिर सीबी खराब करेगा, उस्टर भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीज खराब करेगा। और चेक प्रेस्ट कट्स एंड कट कट्स, मतलब जो सिंपलेस आप देखिए, सिंपलेस का है कि आदत डाल दीजिए डेली उसका दबा हुआ कट्स, जो पीट कट होते हैं ना, कभी कभी चलते चलते मशीन में जाम लग के कट दब जाता है,
कट दब जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दागी हो जाएगा, वही फिर फॉल्ट देगा, मतलब पीक देगा, पीक देगा, फिर यान का मतलब यान में पीक आ जाएगा, फिर उसे बढ़ाएगा और कट कट मतलब कोई कोई चाकू में जोड़ा काट देता है ना, इसको भी चेक करके इसको चेंज कर देना चाहिए। कट कट पीट कटता रखना नहीं बिल्कुल। और उसके बाद देखिए चेक साधन गेज, आज पर बटन रोल गेज, बटन रोल गेज के हिसाब से साधन गेज आपको सेट करना पड़ता है। बटन रोल गेज कुछ किया, साधन गेज समझ लो कुछ उल्टा पुलटा कर दिया तो फिर उसमें उष्ण बढ़ जाने का संभावना बहुत होता है। उसके बाद देखियो क्यान अलाइनमेंट इन क्लियर स्पेसिफाइड लाइन। क्यान अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे अपने ड्राइंग आरएसपी का डिब्बा ऐसे पूरा सीरियल नंबर से रखना, चार डिब्बा इधर ऐसे रखना, चार डिब्बा ऐसे क्रील का नीचे जस्ट रखना, कोई डिब्बा आगे रख दिया, कोई साइड में रख दिया, कोई अंदर रख दिया, उसमें क्या होगा स्ट्रेच पड़ के और सी भी बढ़ जाता है, स्ट्रेच बढ़ेगा। उसके बाद देखो गियर मैचिंग इन सिंपलेस मस्ट प्रॉपरली, गियर मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें इसमें यान का ब्रेकेज भी कंट्रोल होता है, क्वालिटी भी सेट होता है, समझ सीपी बैक रोल आप चेंज किया हो तो हमेशा चेंज होता रहेगा, इसको मैचिंग बराबर नहीं करेगा, कोई टाइट मैचिंग हो गया या कोई लूज मैचिंग हो गया तो रोल रुक रुक के चलता मालूम पड़ेगा, जिसके कारण उष्ण बढ़ जाता है और रैपिंग में फर्क पड़ता है, सीपी भी बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो वेस्ट सिंपलेस ऑटोज ओवरहेड अपना प्रोसेस में कहीं बंद नहीं होना चाहिए, खाली टपिंग का टाइम बंद रहेगा, लेकिन सिंपलेस में रिम फ्रेम में और ऑटोक्रम में ओवरहेड हमेशा चालू रहना चाहिए, उसमें भी क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है, नहीं तो सब फ्लाई फ्लॉप जाएगा, उसमें बढ़ाएगा। उसके बाद देखो स्ट्रेस परसेंटेज टू सेट विद इन 1%, सिंपलेस का स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने मेरा एक वीडियो देखना स्ट्रेस परसेंटेज कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्ट्रेस परसेंट 1% के नीचे नीचे रहेगा तो उसमें बढ़िया धागा रहेगा, यान का सीधी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद देखो ऑप्टिमाइज अब ट्विस्ट टू मेंटेन हाफ स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, जैसे अपना फाइबर लेंथ कौन सा है उसी हिसाब से अपन सिंपलेस में कितना ट्विस्ट रखना है, अगर ट्विस्ट ज्यादा रखोगे तो उसमें क्या होता है वो अनड्रप्टेड आएगा, मोटा पतला धागा आएगा, कम भी रखोगी तो थिन प्लेस बहुत बढ़ जाएगा, कभी फाइबर ज्यादा स्लिप करके ज्यादा जला जाएगा, तो इसीलिए ना कम रखना ना ज्यादा रखना, ऑप्टिमाइज करना ट्विस्ट टू मेंटेन हाफली। तो हाफली का एक चैप्टर मेरा था हाफली स्ट्रेंथ और स्ट्रेच, इसको देखिएगा हाफली कौन से मटेरियल में कितना रखना है, ऑप्टिमाइज मतलब हर मटेरियल में अलग अलग रहता है स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वो देखिएगा तो ऑप्टिमाइज करके रखिएगा, तब उसके जाके उसमें उस सभी को आपको फायदा मिलेगा। ये वीडियो इतना में मैं समाप्त करता हूँ, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद मेरे को इसमें फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, जिसमें हो, मेरे को जरूर कमेंट भेजिएगा, तब जाके मेरे को फीडबैक मिले और मैं आगे और बढ़ता रहूँ, आपको समझाता रहूँ। थैंक यू।